Welcome and welcome back to my channel. It's me, Sanjana. So in today's video, I'm gonna be doing clean everyday natural makeup tutorial. So अब summer seasons आ रहे हैं. रांची में तो already summers आ चुके हैं. बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है यहाँ पे. So इसलिए मैंने आज ये makeup tutorial share करने का सोचा, क्योंकि summers में हम ज़्यादातर बहुत ही minimal makeup करते हैं, जो कि बहुत ही clean होता है. जैसा clean girl makeup look का trend चला था, सो हम क्लीन गर्ल मेकअप लुक में थोड़े से चेंजेस करके इस लुक को क्रिएट करेंगे. सो इसलिए पूरी वीडियो को देखना. एंड नाउ विदाउट फर्दर एनी अडू, लेट्स गेट इनटू द वीडियो. सो पहले मैं मॉइस्चराइजर अप्लाई करूंगी, और मॉइस्चराइजर के लिए मैं यूज कर रही हूँ पॉन्स का सुपर लाइट जेल. तो अपने फेस को मॉइस्चराइज करने के बाद मैं स्विस ब्यूटी का रियल मेकअप बेस हाइलाइटिंग प्राइमर यूज कर रही हूँ. तो इसे अप्लाई करने के बाद मुझे प्राइमर और हाइलाइटर अलग से अप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये मेरा दोनों का काम कर देगा. इसके बाद मैं फाउंडेशन यूज कर रही हूँ, और फाउंडेशन के लिए मैं इनसाइड का HD फाउंडेशन यूज कर रही हूँ. इसमें मेरा शेड है LN10. ज्यादा फाउंडेशन नहीं यूज करेंगे, बहुत ही कम फाउंडेशन यूज करने वाली हूँ मैं. एंड एक डैम ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से मैं अपने फाउंडेशन को अच्छे से ब्लेंड कर लूंगी. सो जहां मुझे थोड़े एक्ने मार्क्स हैं, वहां मैं थोड़ा सा और फाउंडेशन अप्लाई कर रही हूँ. इसके बाद मैं कंसीलर अप्लाई करूंगी, और कंसीलर के लिए मैं स्विस ब्यूटी का लिक्विड कंसीलर ले रही हूँ. इसमें मेरा शेड है 04. एंड अगेन मैं सब कुछ ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से ही ब्लेंड कर दूंगी. इसके बाद मैं क्रीम कॉन्टोर और क्रीम ब्लश अप्लाई करूंगी. आई नो कि गर्मियां हैं, सब कुछ पिघल जाएगा, बट हम उसे सेट करेंगे जिससे कि वो अच्छे से सेट रहे और निकले ना. थोड़ा सा जो कॉन्टोर है वो मैं मेरी आईज पे भी अप्लाई कर रही हूँ. सो आईज पे कॉन्टोर लगाने से जो आंखें हैं मेरी थोड़ी सी स्नैच्ड लगेंगी. इसके बाद मैं सब कुछ अगेन ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड कर दूंगी. इसके बाद मैं क्रीम ब्लश अप्लाई करूंगी, और ब्लश के लिए मैं इनसाइड का ऑन द गो ब्लश स्टिक यूज कर रही हूँ. इसमें मेरा शेड है 03 रूज रेड. एंड इसे मैं ब्रश की हेल्प से अप्लाई करूंगी, क्योंकि ब्रश से इसे अप्लाई करना ज्यादा इजी लगता है मुझे. थोड़ा सा मैं इसे चिन पे अप्लाई करूंगी, थोड़ा अपने नोज ब्रिज पर. सो इसके बाद जो मैंने अंडर आई में कंसीलर लगा रखा है उसे मैं एक बार फिर से ब्लेंड करूंगी, एंड देन हम पाउडर से सेट करेंगे ताकि जो भी क्रीजेस आए हों वो हट जाए, और पाउडर से सेट करने के बाद वो क्रीजेस नजर ना आए. एंड इसके बाद मैं इनसाइड का HD फिनिशिंग लूज पाउडर ले रही हूँ, एंड इससे अपने बेस को पहले सेट कर लूंगी. सो मैं ब्यूटी ब्लेंडर पे ही थोड़ा सा पाउडर पिक कर रही हूँ, एक्सेस प्रोडक्ट को डस्ट कर रही हूँ, और अब अपने अंडर आईज को सेट कर लूंगी. ऐसा करने से मुझे काफी फ्लॉलेस सा इफेक्ट मिलता है अंडर आईज में. सो मैं अपना बेस वहां भी सेट करूंगी जहां से मुझे स्वेट आता है या ऑयल आता है. सो मुझे मेरे नोज के अराउंड से स्वेट आता है बहुत ज्यादा. सो मैं अपने नोज के अराउंड का कंसीलर और फाउंडेशन जो लगा हुआ है उससे सेट करूंगी, एंड अपने माउथ के अराउंड. इसके बाद मैं पाउडर ब्रश ले रही हूँ, और उस पर थोड़ा सा पाउडर पिक करूंगी, और अपने फोरहेड को सेट कर लूंगी.
सो इसके बाद मैं अपना जो मैंने क्रीम ब्लश और क्रीम कॉन्टोर कर रखा है उसे मैं पाउडर ब्लश और पाउडर कॉन्टोर से सेट कर लूंगी ताकि वो लॉन्ग लास्टिंग हो जाए. सो मैं मार्स के फैंटेसी पैलेट से कॉन्टोर शेड ले रही हूँ एंड इससे जो है अपना कॉन्टोर सेट कर लूंगी. इसके बाद मैं ये ब्लश पिक कर रही हूँ एंड इसे अपने क्रीम ब्लश के ऊपर अप्लाई करूंगी. बहुत ही लाइटली अप्लाई करूंगी. सो आई मेकअप के लिए मैं कफ्स एंड लैशेस का आई शेडो पैलेट ले रही हूँ एंड इससे मैं ये वार्म ब्राउन शेड पिक करूंगी और इसे जहां हमने पहले कॉन्टोर किया था वहां प्लेस करूंगी. एंड अब इसे सर्कुलर मोशन में ब्लेंड कर दूंगी. सेम ब्राउन शेड जो है मैं अपने लोअर लैशेस पर भी अप्लाई करूंगी. एंड इसके बाद मैं मेरे फिंगर्स से ही ये लाइट शेड पिक कर रही हूँ. सो मैंने अभी अपने आईब्रोज नहीं बनवा रखे हैं इसलिए मैं कोई पेंसिल यूज नहीं करने वाली अपने आईब्रो पे क्योंकि फिर वो बहुत ज्यादा फेक से लगने लगता है, मोटे मोटे से लगने लगता है. इसलिए मैं जस्ट ब्लू हेवन का स्कल्ट एंड सेट ब्राउ जेल यूज कर रही हूँ. सो इसके बाद मैं सेम आई शेडो पैलेट से ये डार्क ब्राउन शेड लूंगी और इससे अपना विंग्ड आई लाइनर ड्रॉ करूंगी एंड इसे थोड़ा सा स्मच करते हुए अप्लाई कर लूंगी. सो आज मैं फॉल्स लैशेस नहीं लगाऊंगी इसलिए मैं अपने आई लैशेस को कर्ल करूंगी पहले. इसके बाद मैं मस्कारा के लिए मार्स का मस्कारा यूज कर रही हूँ एंड इसे अपने लैशेस पर अच्छे से अप्लाई करूंगी. तो इसके बाद मैं लास्ट स्टेप कर रही हूँ वो है लिपस्टिक और उसके लिए मैं इबोनी की लिपस्टिक यूज कर रही हूँ. ये एक लोकल ब्रांड है बट ये इनकी लिपस्टिक्स बहुत अच्छी होती हैं, बहुत लाइट वेट होती हैं, मैट फिनिश देती हैं, नॉन ट्रांसफर होती हैं एंड जल्दी से नहीं हटती हैं चाहे आप कितना भी खा पी लो. सो ये काफ़ी अफोर्डेबल आती है, 60-70 रुपीज में आपको मिल जाएगा. आप किसी भी लोकल स्टोर पर जाओ आई थिंक आपको ये लिपस्टिक मिल जाएगी एंड ये बहुत अच्छी क्वालिटी होती है इनकी. सो आप एक बार ट्राई करना एंड देन मुझे कॉमेंट करके बताना कि आपको ये लिपस्टिक कैसी लगी. मैं अपनी ज्वेलरीज पहनकर अभी वापस आती हूँ एंड ये है फाइनल लुक. सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो. मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि आप लोगों को ये लुक कैसा लगा और अगर आप लोगों को ये लुक थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को जाकर लाइक कर दो और ऐसे ही अच्छे अच्छे कंटेंट्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो. सो आज का शाउट आउट जाता है तनिष्का रावल को. थैंक यू सो मच तनिष्का, प्लीज ऐसे ही मुझे सपोर्ट करते रहे. थैंक यू सो मच आपके इतने प्यारे से कमेंट के लिए. सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो. डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल. आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन. टिल देन बाय.